बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं हूँ सादिया बर्ड फ्रॉम फंटेस्टिक फॉरेक्स। आज हम अपनी इस वीडियो में मारोबूजो कैंडल के बारे में बात करेंगे। ये एक सादा कैंडलिस्टिक पैटर्न है। नॉर्मल कैंडलिस्टिक दो तरह के होते हैं, एक बुलिश और एक बैरिश। बुलिश यानी कि बाय और बैरिश मतलब के सेल। इसके मतलब हम पहले ही अपने चैनल में वीडियो बैरिश और बुलिश के बारे में डाल चुके हैं, आप वीडियो को सर्च करके देख सकते हैं। कैंडलिस्टिक पैटर्न दो तरह के होते हैं, बुलिश और बैरिश। ये बुलिश और बैरिश भी आगे दो तरह के होते हैं, एक लॉन्ग और एक स्मॉल कैंडल। मारोबूजो कैंडल जापान का एक वर्ड है जिसके दो मतलब हैं, एक गंजा आदमी और दूसरे का मतलब है कि किसी चीज़ पर पूरी ताकत से हावी हो जाना, उस चीज़ को पूरी ताकत से दबा देना। मारोबूजो देखने में ऐसी नज़र आती है जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इस तरह की कैंडल को मारोबूजो कैंडल कहते हैं। इस कैंडल की एक ख़ास बात ये है कि इस कैंडल में कोई शेडो नहीं होती, ये एक लॉन्ग कैंडलस्टिक होती है। जब भी इस तरह की कोई कैंडल बने तो वो लॉन्ग कैंडल होनी चाहिए, तब ही वो मारोबूजो कैंडल कहलाएगी। अगर कोई छोटी कैंडल है और वो मारोबूजो जैसी है तो इसको वैलिड नहीं माना जाएगा, ये लॉन्ग कैंडल होनी चाहिए। पहले आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको फौरन मिल जाए। आप हमें फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम हर जगह फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे ब्रोकर के साथ रियल ट्रेडिंग अकाउंट भी बना सकते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के बाद हमें व्हाट्सएप करें, हम आपको अपने VIP ग्रुप में ऐड करेंगे जहां आप फ्री सिग्नल्स और हर तरह की अपडेट रिसीव करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब हम देखते हैं कि ये कितनी टाइप की होती हैं। मारोबूजो दो तरह से बनती हैं, बुलिश कैंडलस्टिक और बैरिश मारोबूजो कैंडलस्टिक, जैसे कि आप इसको वीडियो में देख रहे हैं। अब देखते हैं कि ये कैसे काम करती है, इसका क्या काम है। ये कैंडल ट्रेंड को जारी रखने का पैगाम देती है, मतलब कि अगर मार्केट में बाय का ट्रेंड चल रहा है और फिर बुलिश मारोबूजो कैंडल बनती है तो इसका मतलब है कि मार्केट में मज़ीद अभी और बाय का ट्रेंड रहेगा। और इसी तरह अगर सेल का ट्रेंड चल रहा है और फिर एक बैरिश मारोबूजो कैंडल बनती है तो इसका मतलब है कि अभी सेल का ट्रेंड मज़ीद और जारी रहेगा। ये कैंडल आपकी पोजीशन को होल्ड रखने का मैसेज देती है। इसी तरह इसका एक दूसरा पहलू भी ये है कि अगर बाय का ट्रेंड चल रहा है तो चार्ट में अगर बैरिश मारोबूजो कैंडल बनती है तो इसका मतलब ये है कि बाय का ट्रेंड ख़त्म होने वाला है और सेल का ट्रेंड शुरू होने वाला है। और इसी तरह अगर सेल का ट्रेंड चल रहा है तो बुलिश मारोबूजो कैंडल बनती है तो इसका मतलब ये है कि सेल का ट्रेंड ख़त्म होने वाला है और बाय का ट्रेंड शुरू होने वाला है। आपको ये कैंडल चार्ट में तब ही नज़र आएगी जब बाय या सेल की लिमिट पूरी हो चुकी होती है, मतलब कि अगर बाय की लिमिट पूरी होती है तो बायर ख़त्म हो जाते हैं और इस तरह सेल की लिमिट पूरी होने पर सेलर ख़त्म हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। उस दिन की कैंडल मारोबूजो कैंडल होती है। ये इंट्राडे चार्ट, डेली चार्ट, वीकली चार्ट, मंथली चार्ट, हर चार्ट में बनती है और अच्छी तरह अपना काम करती है। अभी तक आपने देखा ये कैसे बनती है और कैसे काम करती है। इसके बनने के बाद मार्केट में क्या तब्दीली आती है, अब हम बात करते हैं। बुलिश मारोबूजो कैंडल्स तीन तरह से चार्ट में बन सकता है। ये तीन तरह की कैंडल हो सकती है जैसे कि आप इसको वीडियो में देख रहे हैं। ये तीन तरह की कैंडल एक ही तरह से काम करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बुलिश मारोबूजो में ओपन प्राइस और लो प्राइस एक ही पॉइंट पर होते हैं, बराबर होते हैं
और क्लोज प्राइस और हाई प्राइस भी एक बराबर ही होते हैं। जिस दिन ये कैंडल बनती है तो बायर सेलर को पूरी तरह दबा देते हैं। अब दूसरी कैंडल के बारे में बात करते हैं। इसका नाम है ओपनिंग बुलिश मारुबूजो। इसमें ओपन और लो प्राइस बराबर होते हैं, लेकिन इसमें क्लोज और हाई प्राइस बराबर नहीं होते। इसमें अपर शेडो होती है। ये अपर शेडो बॉडी के मुकाबले में 5% होती है, मतलब कि बॉडी 95% हो और अपर शेडो 5% हो। इससे कम हो तो भी ठीक, लेकिन 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जिस दिन ये कैंडल बनती है तो उस दिन बायर सेलर को दबा देते हैं, लेकिन क्लोजिंग के वक़्त बायर की पकड़ कमज़ोर हो जाती है। तीसरी कैंडल का नाम है क्लोजिंग बुलिश मारुबूजो। इसमें ओपन प्राइस और लो प्राइस बराबर नहीं होते। इसमें लोअर शेडो होती है। ये लोअर शेडो बॉडी के मुकाबले में 5% होनी चाहिए। बॉडी 95% और शेडो 5% होनी चाहिए। इससे कम चलेगी लेकिन ज़्यादा नहीं। इसमें क्लोज और हाई प्राइस बराबर होते हैं और इसमें बायर सेलर को दबा देते हैं अपनी पूरी ताकत के साथ। अब हम बात करते हैं बेरिश मारुबूजो कैंडल की। ये भी तीन तरह की होती हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो सबसे पहले बेरिश मारुबूजो कैंडल की बात करते हैं। इस कैंडल में ओपन और हाई प्राइस बराबर होते हैं, क्लोज और लो प्राइस भी बराबर होते हैं। जिस दिन ये कैंडल बनती है उस दिन सेलर बायर को दबा देते हैं। सेकंड कैंडल ओपनिंग बेरिश मारुबूजो है। इसमें ओपन प्राइस और हाई प्राइस बराबर होते हैं। इसमें क्लोज प्राइस और लोअर प्राइस एक बराबर नहीं होते। इसमें लोअर शेडो होती है। बॉडी 95% और शेडो 5% होनी चाहिए। तीसरी कैंडल क्लोजिंग बेरिश मारुबूजो। इसमें ओपन प्राइस और हाई प्राइस बराबर नहीं होते। इसमें अपर शेडो होती है 95%, बॉडी और शेडो 5% होनी चाहिए। इसमें क्लोज और लो प्राइस बराबर होती हैं। ग्रीन रंग के निशान आपको बुलिश मारुबूजो और रेड रंग के निशान आपको बेरिश मारुबूजो और येलो रंग के निशान मारुबूजो को तो शो करते हैं, लेकिन ये कैंडल वैलिड नहीं मानी जाएंगी। और हाँ, अगर ये कैंडल चार्ट के किसी सेंटर में बन रही हैं तो भी ये वैलिड नहीं मानी जाएगी। ये चार्ट के बॉटम पर, रेजिस्टेंस लेवल पर, टॉप पर या स्पोर्ट्स लेवल पर बने तो ही ये बेरिश या बुलिश मारुबूजो मानी जाएगी, वैलिड मानी जाएंगी। अपने मनी को फॉलो करते हुए, लॉट साइज का ख्याल रखते हुए आप ट्रेड लगाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।